भाई लोग, आप लोगों ने जो है फ्लोरेंस के बारे में तो सुना ही होगा। आज भी वैसे ये सिटी काफ़ी बॉम है, मगर बैक इन मिडिवल्स टाइम ये जो था एक हब था फॉर ट्रेड एंड फाइनेंस। इट वाज नोन फॉर इट्स रेनेसांस आर्ट, इट्स कल्चर एंड ऑफ कोर्स द मॉन्यूमेंट्स। आज भी मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ही सीन है, मगर ये कहना गलत नहीं होगा कि बैक इन डेज इसका कल्चरल और इसकी पॉलिटिकल मास्टरमाइंड एक ही फैमिली थी, और वो थी मेडिची फैमिली, और ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ मेडिची। हाँ तो भाई, मैं हूँ फ्लोरेंस में। दिस इज़ अ फोर्थ डे इन इटली, और एक ये ऐसा प्लान था जिसको मैंने प्लान ही नहीं किया था। मैंने बस इस्तांबुल से टिकट पकड़ी है और मैं इधर टपक पड़ा हूँ। तो आई हैवंट रिसर्च एनीथिंग, कुछ भी नहीं। तो ऐसी सिचुएशन के लिए बेस्ट चीज़ ये होती है कि आप जो है फ्री वॉकिंग टूर करो। फ्री वॉकिंग टूर मोस्ट ऑफ यूरोप में है, हर जगह पे है और मिल जाता है। पीछे छतरी लेके मेरा बंदा खड़ा हुआ है, ये वॉकिंग टूर के लिए खड़ा हुआ है। इट्स गुड कि आप उनको टिप कर दिया करो, मैं हमेशा उनको टिप करता हूँ। तो इससे क्या होता है, उससे आपको ओवरऑल व्यू मिल जाता है सिटी का, विच इज़ गुड। और उसके बाद फिर आप डिसाइड कर सकते हो यार कौन सी जगह पे मैंने जाना है और कौन सी जगह मैंने जाके एक्सप्लोर करनी है। सो दिस इज़ अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर दैट इफ़ यू हैवन डन एनी रिसर्च बिफोर कमिंग टू योर डेस्टिनेशन। अगर मैं थोड़ा सा मेडिची फैमिली के बारे में बताऊँ तो ये लोग जो थे बहुत गरीब से लोग थे, एंड इन्होंने जो है फ्लोरेंस मूव किया जब फ्लोरेंस जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, और इधर आके वूल का काम शुरू किया। तो विद इन फ्यू ईयर्स इन्होंने बहुत ज़्यादा इधर वेल्थ उसे कमा ली, एंड दे हैड इनफ मनी टू स्टार्ट अ बैंक। और जो जो बैंक ओनर्स होते थे उस ज़माने में, वो सबको कंट्रोल करते थे, क्योंकि वो चर्च को भी पैसा देते थे, वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को भी पैसा देते थे, तो उनके पास पावर बहुत ज़्यादा होती। तो जब इन्होंने बैंक स्टार्ट किया तो दे बिकम वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली, एंड फॉर सम टाइम बीइंग दे वर आल्सो एक्साइल्ड फ्रॉम फ्लोरेंस। उसका रीज़न ये था कि ये इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए थे कि उन्होंने कहा कि ये फ्लोरेंस के लिए डेंजरस है, अगर ये यहाँ रहे तो जो उस वक्त के पोप थे उन्होंने इनको एग्जाइल में भेज दिया। लेकिन क्योंकि मेडिची फैमिली से भी कुछ लोग पोप बने, एंड उन पोप ने इनको वापस बुलाया, एंड दे जस्ट गॉट सो मच पावरफुल दैट दे टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ फ्लोरेंस। सेंटर मारिया चर्च के बाहर, और हम लोग जो इसका डोम है उसके हमने टिकट लिया और हम जो है ऊपर जा रहे हैं। मैं इस वक्त जो हूँ ऊपर हूँ आपके सेंटर मारिया डॉर्म के। हम लोग कई ऑलमोस्ट 500 या 600 सीढ़ियों के स्टेप्स ऊपर चढ़ के आए हैं। ये 65 मीटर जो है लेंथ में है, और ब्रेथ में ये 45 मीटर है। और 140 साल में पूरा चर्च कंप्लीट हुआ था, और चर्च बहुत पहले कंप्लीट हो गया था, लेकिन ये डोम बनने में बहुत टाइम लगा था, क्योंकि इन ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे कि इस डोम को कंप्लीट कैसे करना है। सो एट द एंड ऑफ द डे दे मैनेज्ड। एक टाइम पे फ्लोरेंस पे जो है खाने का लाले पड़ गए थे, तो मेडिची जो फैमिली थी, जो इधर की रूलिंग क्लास फैमिली थी, उन्होंने इस चर्च को दोबारा बनाना शुरू किया ताकि लोगों के पास जो है जॉब्स मिले, एंड एट द एंड ऑफ द डे वो हुआ। और आज हम इसको डोम को देख रहे हैं फ्लोरेंस के अंदर। मेरे पीछे अगर देखो तो ये व्यूज हैं। Ma ci sento a tocino d'amor Delle belle turbando il riposo Ma ci sento a tocino d'amor Non più fra... ये जो मेरे पीछे है छोटी सी खिड़की, इधर जो है इधर से लोग जो है वाइन खरीदते थे, और अब पूरे सिटी में अब तो ये कहीं यूज़ नहीं होती, बट सिर्फ अभी भी
एक जगह है जो रिवर के दूसरी तरफ है, वो अभी भी विंडोज यूज कर रहे हैं। What cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non ti dry. तो भाई मैं हूँ इधर की मार्केट स्क्वायर में, और मेरे पीछे जो है ये पुराना टाउन हॉल है। सिग्निफिकेंस ऐसे है कि जब मेडिची फैमिली जो थी, जब पावर में आई अपना डायनेस्टी बनाने की कोशिश की, तो सबसे पहला स्टेप उन्होंने ये किया कि टाउन हॉल के साथ साथ उन्होंने वो यहाँ मूव हो गए, इसको अपना पैलेस भी बना लिया। और इससे जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज गया पूरे इधर की कम्युनिटी में कि हाँ भाई, मेडिची ने टेक ओवर कर लिए जगह और वो यहाँ के मेन लोग हैं। ये इस जगह की सिग्निफिकेंस है, और ये मेरे पीछे वो टाउन हॉल है। इधर इनका मूव होना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट था कि वो सारी चीज़ों पे अपना कंट्रोल रख सकें। इस जगह पे ये जो पीछे मेरे बिल्डिंग्स हैं, ये जो हैं सारी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है, जहाँ सारा जहाँ से पूरी आपकी इनकी रियासत चलती थी। सही है। और फिर इधर ये है एक फाउंटेन। ये जो बनता है, ये जो स्कल्पचर है पीछे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था फ्लोरेंस के लिए, क्योंकि ये 15th सेंचुरी में आपका फ्लोरेंस बहुत ज़्यादा यहाँ ट्रेड होती थी पूरे यूरोप में, एक तरह से सबसे अमीर रियासत थी ये। तो ये एक ग्रीक मिथोलॉजी का कोई गॉड है, जो समंदर का गॉड है इनका, और ये समंदर की तरफ वहाँ देख रहा है। तो यहाँ से जब सारी ट्रेडिंग होती थी तो उस उनके लिए ये गुड लक माना जाता था। तो ये जो पैलेस था, जो टाउन हॉल भी था और फिर मेडिची ने अपना पैलेस बना लिया था, इसमें ये लोग कोई ऑलमोस्ट सेंचुरी रहे। और उसके बाद जब नए इनके रूलर्स आए, उन्होंने कहा यार इधर रहना अब हमारे लिए सही नहीं है, ये हमारे लिए छोटी जगह है, तो हम अब तीसरा पैलेस बनाएंगे फ्लोरेंस में। तो वो जो है रिवर, अक्रॉस द रिवर था उनका नया पैलेस, और जिसकी वजह से इन्होंने ये चीज़ बनाई। ये टाउन हॉल, ये पूरी टनल बनी हुई है जो नए पैलेस तक, और ये अंदर घोड़ों में आते थे। मीट है, और ये जो रेसिपी है ऑलमोस्ट 900 साल पुरानी है, और इसका नाम है पेसोस, और ये लैम की चीक से बनी होती है, और इट्स अ वेरी डिलीशियस फूड। एक घंटा वॉक करने के बाद मुझे फाइनली ये शॉप मिल गई है, इसका नाम है जिलाटेरिया दे पास्ता, ऐसे कुछ करके जो सही बात है। और इन्होंने एक आइसक्रीम डेवलप की है जिसका नाम है मोनालिसा आइसक्रीम। सही है। और अपेरेंटली ये यूरोप की सबसे ज़्यादा पॉपुलर आपकी आइसक्रीम है। इसका नाम मोनालिसा इसलिए भी है क्योंकि ये जो है इसे मोनालिसा इसी इलाके में पहले रहती थी। सो बिहाइंड मी इज द लास्ट एंड द फाइनल मेडिची पैलेस। दिस इज़ द प्लेस वेयर मेडिची एम्पायर एंडेड। और उधर जो है मेडिची फैमिली ऑलमोस्ट 100 साल से ज़ायद रही। ये जो आखिरी पैलेस है मेडिची का, और जो सबसे बड़ा पैलेस है, इसमें ऑलमोस्ट 400 कमरे हैं। भाई उस 15th सेंचुरी के दौर में हर फैमिली का जो है अपना एक साइन होता था। सही है, जो उनकी फैमिली को रिप्रेजेंट करता था। इसी तरह आपका मेडिची फैमिली का भी साइन था, और वो थे ये टर्टल्स। और इसका रीज़न ये था कि टर्टल्स आर वेरी वाइज, उनका ये मानना था कि टर्टल काफ़ी वाइज एनिमल होता है, जिसकी वजह से उनका साइन भी टर्टल था। ये मेरी वीडियो ख़त्म। और अगर आप मेडिची के बारे में और जानना चाहते हैं, तो देर इज़ अ नेटफ्लिक्स शो ऑन मेडिची 2, वो भी आप जाके देख सकते हैं। और अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, प्लीज़ कीप वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग माई वीडियोज़।
और मिलते हैं ब्रेक के बाद. पीस.